नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ एक बार फिर हम पहुंचे हैं अनखीरी गांव में। और आपको बता दें, जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं ये वो लोग हैं जो इस चिलचिलाती धूप में अपना खून पसीना बहाकर, जो लोग एसी में घरों में बैठे हैं उनके घरों तक उनका घर का सामान पहुंचाते हैं। लेकिन आज ये परेशान है, क्या है इनकी समस्या वो जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन जी, क्या दिक्कत है आज ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर कि जोमेटो वालों ने रेट हमारे बहुत ज्यादा घटा दिए हैं और 10 रुपए पर पैकेट ऑर्डर दे रहे हैं। आप किस में काम करते हैं? हम ब्लिंकिट में करते हैं जी। ब्लिंकिट और जोमेटो का टाई अप हो गया है साथ में ये दोनों। तो पहले हम जब ग्रोफर में थे तो हमको 50 रुपए ऑर्डर मिलता था, पहले ग्रोफर थे। हाँ जी हाँ जी, अब ब्लिंकिट ने ले लिए, ठीक है। अब हमारा रेट घटा करके उन्होंने 15 रुपए कर दिया है, और उसमें 15 रुपए में हम 5 किलोमीटर जाएंगे और 5 किलोमीटर आएंगे, तो आप लगा लो अंदाजा कि क्या हम कमा लेंगे उसमें। और उसमें भी अगर कोई तीसरी चौथी मंजिल पर है तो वहाँ भी सामान पहुँचा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पैदल जाके जाना पड़ता है जी। हाँ जी उसमें, हाँ जी। और आप देख सकते हैं कि ये लोग, क्या नाम है आपका? सचिन है मेरा नाम जी। जी दोनों सचिन है। हाँ जी हाँ जी जी। क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? ये चोट डिलीवरी करने के दौरान ही लगी है मेरे को, और 28 मार्च को ये चोट लगी थी जिसका अभी तक मुझे कोई क्लेम नहीं मिला है। 30 तारीख को ये हमारा रेट कार्ड चेंज कर दिया गया है बिना बताए। जब इस स्टोर पे मैंने ज्वाइन करा था, इस स्टोर पे 200 ऑर्डर थे और आज की डेट में इस स्टोर पे 1500 ऑर्डर हैं। हमने अपनी मेहनत से इसको इस मुकाम तक पहुँचाया है और आज हमें इसने बिगर बताए हमारा रेट कार्ड चेंज कर दिया है। हमारी यही मांग है कंपनी से, हमारा पुराना रेट कार्ड चाहिए। तो कोई इसका कोई मेडिक्लेम नहीं करा रखा कंपनी ने? कोई ऐसा ही नहीं करा रखा है, बट अभी मिला नहीं है, प्रोसेसिंग में है। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे मिलेगा नहीं हमें पता है। अप्रूव नहीं। कितना समय हो गया? इससे पहले भी कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को मिला नहीं है और मुझे नहीं लगता हमें भी मिलेगा। कितना समय हो गया इसमें? हो गया जी 1.5 साल करते हुए। पहले 50 में करते थे, फिर धीरे धीरे 25 में कन्वर्ट कर दिया, अब 25 से 3-4 दिन से 15 रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमने 2 दिन पहले भी खबर दिखाई दी, तो लगभग आज तीसरा दिन है। कि ये भाई इस टाइम इनके रोजे भी चल रहे हैं, और जब भी इन भाई का नाम तालिब है, और तालिब भाई रोजे में भी आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर भी देख लो आप कि कंपनी हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। वो तो मैंने बताया, चिलचिलाती धूप में लोग जब एसी में बैठे होते हैं घरों में, तो ये अपना खून पसीना बहाकर बारिश में भी काम करना पड़ता है हमें, बारिश में भी, तूफान में भी। चाहे बारिश हो, तूफान हो, कोई भी हो, जो हम गिरते भी हैं, हमारे दिन में कम से कम 10 चोटें तो लगती हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया कि हम गिरते ही रहते, कोई कोई घायल होता रहता है। पर कंपनी की तरफ से हमें ऐसे नहीं है कि आपको मतलब कोई सेफ्टी हो, कोई फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है सर अंदर। आप बताओ, हम यहाँ बैठे हुए, आप दिखा दो एक बार हम कैसे बैठे हुए हैं। कोई बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए ना, हमें कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। बाकी चलो हम सब एडजस्ट कर लेंगे सर जी, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। पर हमारे जो, हम कुछ नहीं चाहते, हम वही चाहते हैं कि हमारा जो रेट कार्ड था पहले वाला वही कर दिए, बाकी कोई ऐसी मांग नहीं है। बाकी जो हम सरकारों से भी बोलना चाहते हैं कि ये ऐसी कैसी कंपनी है, ये विदेशी नीति लागू हो गई है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करता, भारत को पतन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सबसे पहले। जो इन्होंने ये इंस्टाग्राम हो गया, ये जूगी हो गई, जोमेटो हो गई, ये डेंजो हो गई, जितनी भी ये जेप्टो कंपनियां हो गई, ये सारी हमें लूट रही है। मतलब इतना ग्रेट हो गया लोकल बंदे का कि आप लोकल बंदे को 5 रुपए में ड्यूटी करवाओगे। मैं जोमेटो के जो ओनर है उससे कहना चाहता हूँ कि भाई आप एक बार आओ, एक बार आप हमारे साथ डिलीवरी करके देखो। मतलब इस हमारे भाइयों का इतना लेवल गिर गया कि 5-5 रुपए में ड्यूटी करेंगे हम। एक लेबर को 600 रुपए मिलते हैं। वो मिलते हैं जो बंदा सबसे नीचे वाला होता है, जो अगर ठेकेदार होगा उसको भी 800 रुपए मिलते हैं, और वो भी 800 रुपए में हाथ धो के आठ घंटे में हाथ धो के करते हैं। हम यहाँ 15-15 घंटे लॉग इन दिखा देते हैं, हम 15-16 घंटे लॉग इन करते हैं। ये देख लीजिए, इधर देखिए, इनकी एज देखिए आप, इनकी कम से कम 50 साल से। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप चौधरी है। शादी हो गई आपकी? शादी है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, और मैं आज से काम नहीं कर रहा। जब एक ग्रोफर थी, जब से डीपी करती थी, जब से मैं काम कर रहा हूँ। उस टाइम हम स्टार्टिंग में सैलरी पे थे, इन्होंने क्या करा, जब ये स्टार्टिंग में ग्रोफर से टाइप की हुआ ब्लिंकिट जोमेटो, इन्होंने क्या करा, सैलरी वालों को हटा दिया। सैलरी वालों को हटाने के बाद इन्होंने पर पैकेट 50 किया, उसके बाद ये लिया है 25 पे। 25 से आप इन्होंने कल परसों से बिना बताए, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, इन्होंने कर दिया 14 से 15 पे। और उसमें चिलचिलाती धूप में 14 से 15 रुपए में हम पेट्रोल भी अपना फूकेंगे, 4-4 मंजिल 40-40 किलो वेट लेके चढ़ना, अगर लेके नहीं जाएंगे कस्टमर 1 मिनट में कंप्लेंट करेगा, और सबसे पहले सुनवाई होती है कस्टमर की, और हमारी लगती है कंप्लेंट।
वो हमें भरना पड़ता है। हमारे राशन कार्ड कट गए क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, 1.5 रुपया ऑर्डर दिया है, 1.5 रुपया ऑर्डर दिया। एक बार देखिए, 1 रुपए का ऑर्डर है जी, 1 रुपए का ऑर्डर, 1 रुपए का ऑर्डर है। अब लेके कहाँ जाएंगे इसे? देखो ये 1 रुपए का ऑर्डर है जी, ये हमारे राशन कार्ड कट गए, सरकार ने हमारे राशन कार्ड काट दिया। क्योंकि बीपीएल कार्ड में क्या करते हैं, उसमें हमारी सैलरी शो होती है। अब मान लीजिए जो कंपनी हमें कस्टमर कैश देता है, वो हमें ऑनलाइन जोमेटो में डलवाना पड़ता है, वो कैश हमें ऑनलाइन डलवाना पड़ता है। जोमेटो को हम यहाँ अपने डायरेक्ट कंपनी के, उसमें कंपनी नहीं लेती, वो डायरेक्ट कंपनी लेती। और आपको पता है सब जो आजकल पैन आधार कार्ड से सब लिंक हुआ पड़ा है, अगर हम जितना भी अमाउंट, हम जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितना भी हमारे अकाउंट में आता है, वो सारा हमारा शो कर जाता है। और जिसकी वजह से हमारे राशन कार्ड बंद हो गए। अब बताइए, फोन भी आ लिया बैंक का, फोन आ लिया, बताया था मैं 5 नंबर में बताया था, उन्होंने बताया 2 नंबर में बताया, आपका डीएल उन्होंने भी बताया था, ये जो इनकी ट्रांजेक्शन है वो हमारे अकाउंट से हो रही है। सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जी आप ही हैं जो हमारी मतलब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि न्यूज द्वारा ही हमारा हमारी आवाज आगे तक पहुँच सकती है। बाकी हम बहुत ज्यादा परेशान है, रोजी रोटी हमारी बिल्कुल ही छिन गई है, हम आपके सामने देखिए रोड पे खड़े पड़े हैं। बाकी आप ये जो हमारा साथ दे सकते हैं। कितने लोग हैं ये जो यहाँ? 100 से 150 लड़के हैं सर जी, 100 से 150 लड़के रोड पे आ चुके हैं इस टाइम। एक स्टोर की बता रहा हूँ, पर स्टोर पे 100 से 150 बंदा है जो इस टाइम रोड पे आ चुका है और बहुत ज्यादा परेशान है। जो गाजियाबाद से ड्यूटी करते आते हैं और किराए पे यहाँ पे कमरा ले रखा है उन्होंने, वो बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं माँ बाप को छोड़ करके, जब ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। रोहित भैया ये गाजियाबाद रहते हैं और यहाँ पे किराए पे कमरा ले करके जब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर? जी रोहित नाम है मेरा। जी कहाँ रहते हैं? ये गाजियाबाद से आता हूँ जी मैं, और यहाँ पे मैंने रेंट पे कमरा लिया हुआ है, और ऐसी महंगाई में रेंट का कमरा, फिर अपना मतलब गाड़ी की सर्विस सारी चीज, मेरे को मतलब कि इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मतलब कि गलत काम करने पे, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, कैसे पेट पालें। बिल्कुल वगैरह हर चीज है, 2-4 बंदों ने तो नई नई बाइक भी ली है कि भाई हाँ पैसे है ठीक है, अब है ही नहीं जी कुछ भी यहाँ पे। शहर की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। नहीं जी वो तो अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जब ही तो 4-5 राइडर घायल है अभी। हाँ जी खुदा बड़ा है। हाँ जी हाँ जी, शहर की सड़कें ऐसी हैं जिसपे हाँ मतलब 2-4 बंदों ने अभी रिसेंटली नई बाइक ली है यहाँ पे, अब उनकी किस्त वगैरह कहाँ से जाएगी? 1-1 रुपए का ऑर्डर मारेंगे क्या यहाँ पे? 1 रुपए का ऑर्डर जा रहा है बताओ। तो अब जो ये यहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, ये जो लोग होंगे, जो भी उच्च अधिकारी होंगे या मैनेजर होंगे, कुछ ये कोई कुछ कह नहीं रहे, कुछ नहीं? लेकिन नागर साहब आए थे यहाँ पे और हमारे ये क्या नाम है इनका, सोनू सर, SM अंदर ही है, आप चाहो तो उनसे बात कर लो, पर वो बात नहीं करेंगे आपसे, वो मना कर देते, वो कहते भैया मुझे न्यूज पे नहीं जाना क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी बचानी है यहाँ पे, ठीक है? वो अंदर है, वो आते ही नहीं है बाहर पे, बाहर अंदर के बाल, क्योंकि वो बोलते हमारी कंपनी अलाउड नहीं करती, अगर हमें करेगी तो हम हटा देंगे कंपनी, क्योंकि हम बाहर के बंदे अलग कंपनी के है, अंदर के वो अलग कंपनी के है। तो वो ऊपर तक नहीं पहुंचाते? नहीं जी वो नहीं पहुंचाते कुछ भी, वो सुनते नहीं है, यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं। लगभग 3 दिन से आप लोग ऐसे ही हैं बाहर, तो काम तो बंद होगा? बैठे रहते हैं और शाम को चले जाते हैं। काम बंद है जी, पूरा क्लोज है। आप कस्टमरों की कोई कंप्लेंट या कुछ बोलिए? नहीं जी, अब तो इनके ऊपर ही, इनके पीछे ही आती है कंप्लेंट भी, इनके पास ही आती है अंदर। ये बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है इस टाइम, कुछ दिन में हो जाएगा चालू, तो सर हम तो चालू नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हाँ जी, तो अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं हमारा पुराना रेट कार्ड ही वापस हो, जो पहले था हमारा 25 वाला, उसमें हम बढ़िया खा कमा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सर गाड़ियों की बाइक की सर्विस भी करानी है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, पंचर हो जाती है, आपने देख रहा है रोड कितने खराब हुए पड़े यहाँ पे, फिर पंचर नहीं, तो शायद वो जो आपको देती है 25 रुपए या जो भी है, तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं देती? नहीं जी कुछ नहीं देती, नहीं जी कुछ भी नहीं, 25 देती है कंपनी। एक चीज बहुत अच्छे से देती है, धोखा, जो भी दिया है देख लो बालक कैसे कटे, धोखा ही देती है, दूसरा करती ही क्या है। और ये अच्छा कंपनी को ये भी पता है कि बेरोजगारी बहुत छाई पड़ी है, पता है 10 जाएंगे तो 20 उनके लिए तैयार है। अब अगर यहाँ कोई और थर्ड पार्टी के कोई और भी लोग अगर आ जाते हैं तो फिर कैसे? तो नहीं करने देंगे, हम करने नहीं देंगे जी, करने नहीं देंगे हम। और ये जो ऐसा रहेगा ये कब तक जारी रहेगा? जब तक कंपनी चाहेगी जब तक ही जारी रहेगा। कंपनी चाहती है साल भर तो साल भर तक रुकेंगे, कंपनी चाहती है 10 दिन 10 दिन तक रुकेंगे। और ये सारे जितने भी सीनियर है ना, इनके ही खेल खिलौने है ये, इनकी चाल है ये, इनको ये नहीं पता राइडर कैसे कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। कोई 2 महीने पहले अंदर वालों की सैलरी बढ़ी है, 30% सैलरी बढ़ी है उनकी, सर की जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, सोनू सर की 40,000 थी पहले, अब लगा लो कितनी होगी, 30% बढ़ गई उनकी सैलरी, उनका तो बढ़ रहा है अंदर का। और जो मजदूर तबका है इनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको घटाया जा रहा है।
हाँ जी उनका बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी कहने का मतलब इनका ये है कि हमारी सैलरी घटाने के बाद इनकी बढ़ी हुई है और जब ये घटना जा रही है हमारे उससे ये कंपनी घट रही है। कंपनी आप लोगों के ऊपर ही चल रही है, हमारे ऊपर चल रही है। अगर SM है TL है या कोई HR है तो कम हमारी उससे तो आपके पैसे जा रहे हैं। डिलीवरी करने वाला है वो हमेशा अपनी जान हथेली पे लेके चलता है, सड़क पर जब चलता है कुछ नहीं पता होता। मॉर्निंग में 6 बजे आता है, 6 बजे से 11 बजे तक, जब जाके 1000 रुपए का काम होता है, उस 1000 रुपए में से भी 350 रुपए का तेल लग जाता है। 10-20 रुपए हम भी रहते, हम भी कुछ खा पी लेते, वो 500 से 600 मिलते थे, अब वो 500-600 से में काटने के बाद वो 100-200 रुपए मिलेंगे। कहाँ बच्चे ने पाड़ेगा, कहाँ आदमी कुछ करेगा उसमें। आप देख सकते हैं फरीदाबाद एक बड़ा सवाल कि जो लोग यहाँ सैकड़ों लोग आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपना खून पसीना बहाकर और जो लोग घरों में AC में बैठे हैं उन तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते हैं, खाने पीने का सामान राशन लेकर सब कुछ पहुँचाते हैं, लेकिन आज ये लोग यहाँ हड़ताल पर हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये काम पर नहीं जाएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।